हाय एवरीवन, इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स। और आपको पता है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप चाहें तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, बट 6 महीने के करंट अफेयर्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे। तो इस वीडियो में हम डेली रिवीजन करेंगे। दिसंबर से मई 6 महीने हम कवर करेंगे। जून का मंथ जैसे ही कवर होगा, जून के सारे करंट अफेयर्स कंपाइल करके हम जुलाई के फर्स्ट वीक के मई कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम मई से स्टार्ट कर रहे हैं और बैकवर्ड चलेंगे। मई के बाद जो है फिर हम अप्रैल मार्च, इस तरह से हर एक मंथ जो है वो दिसंबर तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मई के करंट अफेयर से। व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व? ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। When is World No Tobacco Day observed? No Tobacco Day जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 31 मई को। हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे बिकॉज दिस इज रिविजन सेशन। मैं आपको इसमें इंफॉर्मेशन कम दूंगी क्योंकि रिविजन करना है हमने इसे। मैं ये होप करके चल रही हूँ कि आपने बहुत सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं, तो ये हमारा रिविजन है जस्ट बिफोर द एग्जाम। सो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। Who has sworn in as the Central Vigilance Commissioner? CVC Commissioner जो है, यानी Central Vigilance Commissioner जो है, वो recently किसे appoint किया गया है? तो ये appoint किया गया है प्रवीण कुमार श्रीवास्तवा जो है उनको नया Central Vigilance Commissioner appoint किया गया है। Which player won the orange cap in IPL 2023? IPL में orange cap जो है वो कौन से player को मिली है? तो आपको पता होगा शुभमन गिल को जो है वो ये मिली है, और उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो पूरे IPL में दी है। चलिए अगर मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दूं, तो उन्होंने 17 मैचेस में जो है वो 59.33 की औसत बनाई है, जिसमें उन्होंने टोटल 890 रन जो है वो बनाए हैं, और उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला है, ये आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु रिसीव सिंगोल फॉर द फर्स्ट टाइम? सिंगोल जो है वो पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था, हमारे पहले प्रधानमंत्री को, एज अ पावर ट्रांसफर फ्रॉम ब्रिटिशर्स। तो क्या होता है कि किसी समय पर जो है ये पावर ट्रांसफर का सिंबल रहा है एंशिएंट इंडिया में। तो देखिए, इसी तरह से जब पहली बार अंग्रेज जो है वो यहाँ से चले गए, तो एक पावर ट्रांसफर जो है उसका इसको सिंबलाइज करना था। तो चोल वंश में ये एक परंपरा थी, सिंगोल के थ्रू जो है वो पावर ट्रांसफर होती थी। तो ऐसा ही एक सिंगोल बनाया गया और ब्रिटिशर्स ने उन्हें इस सिंगोल को जो है वो हमारे पहले प्रधानमंत्री को दिया एज अ पावर ट्रांसफर, ठीक है, जब वो भारत छोड़ के गए थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस इन 1947। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बीन गिवन परमिशन टू डेवलप अ सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल? नेपाल में सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है भारत की तरफ से कौन सी कंपनी को परमिशन मिली है? तो ये है सतलुज जल विद्युत निगम। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इनको अपॉइंट किया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान 3? क्या है लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 3 का, क्या रहेगा? तो ये है GSLV Mark 3, ठीक है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल है ये, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3। विच टीम वॉन IPL 2023? तो आई होप आप सभी को पता है, चेन्नई सुपर किंग्स राइट वॉन IPL मैच, IPL टूर्नामेंट दिस ईयर। एंड NVS-1 सैटेलाइट वॉज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? NVS-1 सैटेलाइट जो है वो रिसेंटली इसरो ने जो है वो लॉन्च की है। NVS-1 सैटेलाइट जो है वो किसने लॉन्च की है रिसेंटली? इसरो ने लॉन्च की है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टाइटल 2023 इन मेन्स सिंगल्स? तो मेन्स सिंगल्स में मलेशिया मास्टर बैडमिंटन जो है वो जीता है एच एस प्रणॉय ने। विच कंपनी कैरिड आउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस? अभी आपने देखा कि हमारी बहुत अच्छी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, जिसे अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया, जिसके पीछे काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी रही। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो पार्लियामेंट हाउस की नई बिल्डिंग है ये किसने कंस्ट्रक्ट की है? तो देखिए, ये कंस्ट्रक्ट किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। ओके,
हु इज द किंग ऑफ कंबोडिया, कंबोडिया का किंग जो जो रिसेंटली भारत आए थे वो कौन है? नरोदम सिंहमोनी, ठीक है, नरोदम सिंहमोनी कंबोडिया के किंग है जिन्होंने रिसेंटली भारत विजिट किया था. Where was the International Climate Research Meeting held? International Climate Research Meeting जो है, देखो क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सब भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है. तो ये हुई थी IIT बॉम्बे में रिसेंटली. Where will the first mining startup summit held? माइनिंग स्टार्टअप यानी जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं कंपनीज के, न्यू स्टार्टअप्स, उसमें से माइनिंग स्टार्टअप समिट जो है वो कहाँ होगा भारत में? मुंबई में. ऑलराइट, इट विल बी हेल्ड इन मुंबई. ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता होगा, ओपन एआई लॉन्च्ड विच ऐप इन इंडिया फॉर आईफोन यूजर्स ऑन 18 मई. 18 मई को आईफोन यूजर्स के लिए ओपन एआई ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है? चैट जीपीटी, याद रखना ये बड़ी फेमस एप्लीकेशन है चैट जीपीटी. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज व्हिच विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन कमिंग डेज? अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब ये पूरा हो जाएगा 2023 के अंत में आते आते, तो ये जो ब्रिज है वो सबसे लंबा भारत का ब्रिज रहेगा. तो ये कौन सा ब्रिज है? ये है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक. अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2023 के अंत में शायद ये पूरा हो जाएगा. हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? CBI के डायरेक्टर जो है उनको किसको चार्ज दिया है? प्रवीण सूद जी को. किसको? प्रवीण सूद. एंड लास्ट इज व्हाट वाज द रैंक ऑफ AI सुपर कंडक्टर एरावत, जिसको हम बोलते हैं, इन 61st एडिशन ऑफ टॉप 500 ग्लोबल्स? तो ये टॉप 500 ग्लोबल्स में भारत के एरावत का क्या रैंक है? रैंक है हमारा, ये सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है, और रैंक है हमारा 75th. तो ये हमारा रिवीजन सेशन रहेगा. इसी तरह से हम फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे, और आपको आई होप इसमें आने वाले जो भी पेपर्स होंगे उसमें बहुत फायदा होने वाला है इन रिवीजन सेशन से. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन नेक्स्ट रिवीजन सेशन.